दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी पपीते के ढेरों सारे हेल्थ बेनिफिट्स। तो आज हम इस वीडियो में पपीते के ऐसे फायदों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आज आप हैरान रह जाएंगे कि आप पपीते से किस तरीके से अपनी स्किन को बहुत ही हेल्थी, ग्लोइंग, गोरा बना सकते हैं, किस तरीके से आपके शरीर में विटामिन की कमी को पूरा करेगा। और बीमार व्यक्ति के लिए तो पपीता बहुत ही अच्छा रामबाण की तरह काम करता है। तो आइए जानते हैं पपीता के ढेरों सारे फायदे। फ्रेंड्स, पपीते में विटामिन ए, बी और सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके बॉडी में होने वाली हर तरह की विटामिन की कमी को पूरा करेगा। इसमें विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, पोटेशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हर किसी की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सबसे पहले पपीता आपकी पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि ढेरों सारी जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि चेहरे पर पिंपल्स या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम, बालों का झड़ना या और भी कई बीमारियां, वो अक्सर जैसे बवासीर वगैरह, वो सब पाचन तंत्र के खराब होने की वजह से होता है। तो अगर आप पपीते का सेवन करते हैं तो ये आपके पेट को, आपके डाइजेशन को ठीक रखेगा, पेट के रोगों को दूर रखने में आपकी काफी मदद करेगा। ये खाना पचाने में बहुत ही लाभकारी है और आंतों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। आप इसका सेवन करके अपने पेट के काफी सारे रोग, पेट में गैस होना या कोई भी रोग है, उससे बच सकते हैं। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में, और इसके अलावा ये आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आंखों और आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए ये बहुत ही अच्छा रामबाण की तरह काम करता है। इसका सेवन करने से आंखों की रोशनी बहुत ही अच्छी बनी रहती है और ये आपकी चमकदार त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये एजिंग को रोकता है, ये जल्दी बूढ़ा होने से रोकता है, क्योंकि फ्रेंड जो चेहरे पर रिंकल्स निकल आते हैं, झुर्रियां निकल आती हैं, तो ये उन्हें होने से रोकेगा। आपकी शरीर में हर तरह सारे पोषण तत्व होते हैं, उनकी कमी को पूरा करेगा, विटामिन्स की कमी को पूरा करेगा। आपकी बॉडी को जो भी जरूरत होती है उसको वो कमी पूरी हो जाती है, जिससे कि आप सालों तक जवान और बहुत ही खूबसूरत दिख सकेंगे। आपके चेहरे पर कील मुहासे हैं तो उसके लिए भी आप पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप पपीते का गूदा निकाल कर उसमें थोड़ा सा हनी मिलाकर इसे आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। ये आपके चेहरे के रूखेपन को दूर करेगा, चेहरे पर झुर्रियां या झाइयां हैं उन्हें मिटाने में हेल्प करता है। ये चेहरे में कसाव लाकर अगर आपके चेहरे पर कोई भी दाग धब्बे हैं तो ये उन्हें मिटाने में भी बहुत ही मददगारी है। इसके अलावा ये हार्ट संबंधित हर तरह की बीमारी होने से रोकता है, क्योंकि पपीते में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, सी और विटामिन ई पाया जाता है। तो जो इसमें ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमने देता है, जिससे कि आप हार्ट की जितनी बीमारियां होती हैं उनसे बच सकते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को खून में कंट्रोल करके रखता है। तो आप डेली अपने खाने में पपीते का इस्तेमाल जरूर कीजिए, आपके हार्ट को, पाचन तंत्र को, आपकी स्किन को बहुत ही हेल्थी बनाए रखेगा। इसके अलावा इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें ये कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर की सेल्स बढ़ने से रोकता है क्योंकि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और विटामिन ई ये बॉडी में कैंसर की सेल्स बढ़ने से रोकता है, इसलिए अपनी डाइट में रोजाना पपीते का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इसके अलावा ये आपके रक्त को शुद्ध करने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी रक्त का शुद्ध न होना भी चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने, मुहासे या चेहरे या स्किन संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, या बालों का झड़ने जैसी भी शिकायत हो जाती है, तो अपने खून को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। तो ये पपीता आपके खून को भी साफ करेगा। और जिन्हें पीलिया रोग है तो पीलिया के रोगियों के लिए भी पपीता बहुत ही फायदेमंद है। और इसके अलावा ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करेगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है जो कि हड्डी के लिए, दांतों की मजबूती के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ये आपको जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, मौसम बदलते ही बीमारियां लग जाती हैं, तो ये उनके लिए पपीता बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखेगा, छोटी मोटी बीमारियों से सर्दी खांसी होने से आपको बचाएगा। तो आप रेगुलर पपीते का सेवन कीजिए, और ये बच्चों के विकास के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सभी इस पपीते में पाए जाते हैं। तो ये आपके शरीर में, आपकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेगा और ये कई तरह के रोगों को दूर करेगा।
तो जो बच्चे हैं उनके विकास के लिए पपीते का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा ये त्वचा में पानी की कमी को पूरा करता है, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी पानी की कमी की वजह से ये स्किन बहुत ही डल हो जाती है, हाइड्रेट नहीं हो पाती है, बहुत ही ड्राई हो जाती है। तो अगर आप पपीते का सेवन करते हैं तो ये आपकी स्किन को शुष्क होने से बचाएगा, और कभी कभी ड्राई होने की वजह से स्किन पर झुर्रियां भी निकल आती हैं, तो झुर्रियां भी खत्म हो जाएंगी। और पपीते का सेवन करने से पानी की कमी को पूरा करेगा और ये बॉडी को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। तो आप इसका नियमित सेवन करेंगे तो ये आपकी स्किन बहुत ही कोमल, सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनाए रखने में आपकी हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं तो उन डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में भी आपकी काफी हेल्प करेगा, काले दाग धब्बों को। तो आप इसका अपनी डाइट में डेली इस्तेमाल कीजिए, डेली शामिल कीजिए, इससे आप कई तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और मेरे ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले और भी हेल्पफुल वीडियोस आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।